नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजभर जाति के बारे में। कौन है ये राजभर? ये हैं भारत के एक बहुत बड़े आदिवासी समुदाय। ज्यादातर ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हैं। राजभर अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाने जाते हैं। पहले जमाने में ये लोग राजा महाराजाओं के यहाँ काम करते थे। राजभर लोगों की अपनी अलग पहचान है। ये पहचान दिखती है उनके त्योहारों में, उनके रीति रिवाजों में और उनके जीने के तरीके में। ये लोग प्रकृति को बहुत मानते हैं। राजभर लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, जो कि हिंदी जैसी ही है। इसमें थोड़ी बहुत दूसरी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजभर समाज का भारतीय संस्कृति में एक खास योगदान है। राजभर लोग कहां से आए, इसके बारे में कई लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्षत्रिय वंश से हैं। उनका कहना है कि राजभर शब्द बना है राजा और भर से, जिसका मतलब होता है राजा का भार। कुछ और लोग मानते हैं कि राजभर लोग बहुत पुराने जमाने के भर राजवंश के वंशज हैं। ये राजवंश कला, संस्कृति और न्याय प्रणाली को बहुत बढ़ावा देता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजभर लोग आदिवासी समुदाय से हैं। उनका मानना है कि ये लोग बहुत पहले से जंगलों और पहाड़ों में रहते आए हैं। खैर, चाहे इनकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, राजभर जाति का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। राजभर समाज में कई उपजातियां होती हैं, जैसे कि खरवार, भर, मौर्य और निकुंज। हर उपजाति के अपने अपने रिवाज और परंपराएं होती हैं। राजभर लोग अपने परिवार को बहुत मानते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसमें सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। राजभर लोग औरतों को बहुत इज्जत देते हैं। घर और समाज दोनों जगह औरतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजभर लोग हमेशा से ही खेती बाड़ी और जानवर पालने में माहिर रहे हैं। इन्हें धरती का बेटा भी कहा जाता है। कुछ राजभर लोग शिकार करते थे और मछली भी पकड़ते थे। अपना पेट पालने के लिए ये प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे। पर समय के साथ साथ राजभर लोगों ने और भी काम सीखे और किए। आज ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। समय के साथ साथ राजभर लोगों ने और भी काम सीखे और किए। आज ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। समय के साथ साथ राजभर लोगों ने और भी काम सीखे और किए। आज ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रहे हैं।